के हर एक कोने में युद्ध से हाहाकार मच जाता है। उस देश की जनता को हर तरह का नुकसान सहना पड़ता है। विश्व के बड़े बड़े शक्तिशाली देश अपने आर्थिक विकास के लिए अपने से छोटे देशों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। बात चाहे आर्थिक रूप की हो या फिर हथियारों के मामले में, भारत और पाकिस्तान सन 1971 के युद्ध में उतने मजबूत नहीं थे जितने आज के दौर में है। बांग्लादेश में हो रहे जुल्म को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने सामने आ गए और दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ। भारत के पश्चिमी राज्यों जैसे राजस्थान, गुजरात और पंजाब पर अमेरिका और चीन की नजरें थीं, जिसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए हिंदुस्तान की फौज ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान के जुल्म से आजाद करवाकर बांग्लादेश के रूप में एक आजाद देश बनाया। और तभी से पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। पूर्वी पाकिस्तान जब जुल्म ढा रहा था, तब वहां से लाखों की संख्या में लोग हिंदुस्तान आकर यहां शरणार्थी बन गए। मौके की नजाकत को देखते हुए पहले चीन और अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए हथियारों के बल पर भारत को कमजोर करने की कोशिश की। अमेरिका की चाल को पाकिस्तान समझ गया। इसके बाद हिंदुस्तान की फौज के सामने पाकिस्तानी सरकार को घुटने टेकने पड़े और उसे पीछे हटना पड़ा। बांग्लादेश के मामले में हिंदुस्तान ने पड़ोसी देश का अपना फर्ज निभाया, लेकिन उसकी ये कार्रवाई कुछ लोगों के आंखों की किरकिरी बन गई। ये कहानी वेस्टर्न फ्रंट के इंडियन आर्मी के 33 ब्रिगेडियर वीर मेजर सहदेवन लेफ्टिनेंट चिन्मय और पाकिस्तानी आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा की है। वैसे तो इस कहानी में ऐसे अनेक वीर सपूत हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन यहाँ सभी वीर सपूतों का नाम लेना संभव नहीं है। ये फिल्म सन 1971 की उसी सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें हजारों वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की सीमा से दुश्मनों को मार भगाया। ये फिल्म आज की पीढ़ी के लिए एक मिसाल है। ये 46वां शहीद दिवस है। युद्ध के मैदान में अपने बीवी, बच्चों, माँ बाप सभी को भूलकर देश के लिए शहीद होने वाले उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें सलाम करने उनके साथी चाहे कहीं भी रहें, आज के दिन यहाँ जरूर आते हैं उनकी स्मृतियों को नमन करने। पाकिस्तान से ज्यादा सुंदर नहीं है। क्या बात करे भाईजान, इतनी देर से चले जा रहे हैं, अब तक कोई लड़की नहीं नजर आई अब तक। अरे भाईजान, लड़कियों की क्या बात करते हैं, हमारे पाकिस्तान की लड़कियों पे तो पूरा हिंदुस्तान फिदा है। सही फरमाया जनाब आपने। ये बात तो है, यहाँ का माहौल तो काफी खामोशी भरा है, फिर हमें यहाँ क्यों सड़ने के लिए भेज दिया। रुको रुको रुको, पीछे लो। बस बस बस, यहाँ से राइट। Move! Hey!
उस साइड को कवर करो, बाहर मत जाओ। पहले कभी देखा नहीं? सॉरी सर, एक्चुअली वी टुक ओवर फ्रॉम द प्रीवियस बटालियन लास्ट नाइट सर। साले अगर तुम लोगों को कुछ व्हाई दैट ब्लडी स्माइल ऑन योर फेस? नथिंग सर, अच्छा लगा एक हिंदुस्तानी सैनिक के मुंह से यह सुन के कुछ हुआ तो नहीं, और वो भी एक पाकिस्तानी सैनिक के लिए। दैट कंसर्न मेड मी स्माइल सर। हां ठीक है ठीक है। बाय द वे व्हिच बटालियन आर यू फ्रॉम? 135 फ्रंटियर फोर्स सर। What? Say it again. 135 Frontier Force. Do you know which battalion we are from? No, sir. 33 Grenadiers. What is that smile for now? Nothing, sir. सोच रहा था पिछली मुलाकात के 46 साल बाद ये दूसरी मुलाकात हुई। पहले 283 सोल्जर इंक्लूडिंग सीओ को मार दिया, और उसके बाद आज अपनी जान दांव पे लगा के आपने हमारी जान बचाई। Today is an important day for our battalion. Do you know what it is? No, sir. Today is our Battle Honours Day. Battle Honours Day ki mubarakbad ho, sir. Thank you. Bura na mane to, join us for celebrations. Bura kyun manunga, sir? Shauk se aaunga. Are you serious? What time, sir? 11 o'clock. Sure. Ciao. Come on, boys. सर, आपको यकीन है कि वो आएंगे? आई एम श्योर। पर सर कहाँ है वो तो बताया ही नहीं। आई नो, इन्फॉर्म देम द लोकेशन। जयन सर। जयन सर, द मीडिया इज आस्किंग फॉर अ स्टेटमेंट। वो चाहते हैं कि आज के ऑपरेशन के बारे में आप कुछ बोले। यहाँ का पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर कौन है? मैं हूँ। सो यू डील विद देम? सर, मैंने आज तक मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया। हाँ, आज दीजिए ना। Come on, girl. Go, go, go. आपको पता है मैं किस बटालियन ने बचाया है? क्यों? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। 33 ग्रेनेडियर्स,
पार्टी पे जरूर जाना और शुक्रिया अदा करके कहना कि एक पाकिस्तानी माँ ने तहे दिल से उन्हें दुआएं भेजी हैं। जी। As far as the world is concerned, India and Pakistan are enemies. In 1971, you've killed so many Pak soldiers, and today you have saved them. Well, हम हिंदुस्तानी कभी किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं। Then why did you have so many wars? Oh yeah, लड़ाई हमने जरूर लड़ी है। उस टाइम कईयों को मारा भी है। हालात। Why did you then save them today? Orders. We soldiers just follow the orders. उस समय मारने के ऑर्डर्स थे और आज बचाने के। Hope you understand. Thank you. This Battle Honors Day will be noted in the history of global military forces because both the winning and the defeated military forces celebrating this special day together. And it never happened anywhere in the world. There is no enmity between us, between the soldiers. And if there is, that is because of the borders and orders. Thank you, Colonel Ajmal. Thank you all for joining us today and to make the feeling stronger than humanity supersedes everything. Thank you once again. And Jai Hind! Jai Hind! थैंक यू। तो हमें आपको कहना है कर्नल साहब, हमारी आपसे गुजारिश है। शौक से फरमाइए। क्या बात है कर्नल साहब, आपकी उर्दू तो लाजवाब है। अजमल साहब, हम हिंदुस्तानी चीज ही कुछ ऐसे हैं, दूसरों को खुश रखना हमारा फर्ज है। अतिथि देवो भव। आप शौक से फरमाइए। कर्नल साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपके टूप से कुछ बात करना चाहते हैं। शौक से, ऑल योर्स। थैंक यू। जब हम आपके साथ इस दावत पे आ रहे थे तो हमने सोचा कि कर्नल राजा, जिनको आपकी इस बटालियन ने 1971 में वीर मृत्यु दिया था, उनकी बीवी से बात करके हमने उनको आज सुबह का इंसिडेंट बताया और यहाँ पर आने की इजाजत मांगी। उन्होंने हमको इजाजत दी और साथ ही आपका शुक्रिया अदा करने के लिए कहा। शुक्रिया इसलिए नहीं कि आपने हमारी जान बचाई है, शुक्रिया इसलिए जब पाकिस्तानी ट्रूप्स रिकवर्ड हिज डेड बॉडी इन द 1971, देयर वाज अ लेटर इन हिज पॉकेट, मस्ट बी रिटन बाय एन आर्मी ऑफिसर ऑफ योर बटालियन। Probably who killed him. उस चिट्ठी के आधार पर पाकिस्तान गवर्नमेंट गेव हिम द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। एक फौजी को उसकी बहादुरी के लिए अगर एक दुश्मन की प्रशंसा मिलती है तो इससे ज्यादा और गर्व की बात और क्या हो सकती है। लड़ाई के मैदान में एक जवान को उसका दुश्मन ही जान सकता है कि इसने क्या काम किया है। तो उस चिट्ठी के लिए मैं पाकिस्तान की ओर से, कर्नल राजा की ओर से और मेरी तरफ से आप सब लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरी तरफ से इसलिए क्योंकि मैं कर्नल राजा का बेटा, कर्नल अजमल राजा हूं। थैंक यू टू ऑल। आपको इस बैटल ऑनर्स डे पर पूरे पाक आर्मी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। खुदा हाफिज। सॉरी फॉर योर फादर। नहीं करना साहब, सॉरी किस बात के लिए। एक्चुअली वी आर रियली केयरफुल टू दैट ऑफिसर ऑफ योर बटालियन हु कैप्ट द लेटर इन हिज पॉकेट। हाँ, आपका यह पैगाम उन तक पहुंचा देंगे। या वो खत लिखकर आपके वालिद साहब के जेब में डालने वाले मेरे पिताजी थे, मेजर सहदेव। एंड ही विल बी वेरी हैप्पी टू हियर दैट आई सेव्ड योर लाइफ टुडे। दैट मींस मेजर साहब इज स्टिल अलाइव टुडे? या, ही इज स्टिल अलाइव। ही रिटायर्ड एज अ ब्रिगेडियर।
साल ऐसा क्यों करते हैं? Even me too confused. क्या हुआ? आप हमेशा यहाँ क्यों आते हैं? वो भी किसी पाकिस्तानी अंकल के लिए. पाकिस्तानी ज़ारा रहनी में नो. तुम्हें ऐसा बोलने की आदत हो गई है. एक जमाने में हम और वो एक ही देश हुआ करते थे. कुछ भी हो, लेकिन वो तो हमारा दुश्मन है ना. युद्ध भूमि में हम फौजियों के बीच कुछ अजीब सा रिश्ता होता है. अगर शत्रु बहादुर हो तो हम उसे कभी नहीं भूलते. ये दोनों फौजी ऐसे जाबाज थे जिनकी गाथा कोई नहीं जानता. लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो कि मुझे उस पाकिस्तानी अंकल को जान से मारना पड़ा. You killed him? I had to. हमारे देश की खातिर. कैसे दादाजी? It's a long story. 46 साल पहले 1971 में गांव में छुट्टी मना रहा था. तुम्हारी दादी माँ और अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती किया करता था मैं. मैं उन दिनों में ऐसा नहीं था. हाँ, क्या बोलते हो तुम लोग अपनी भाषा में? आवारा. मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं. बस बस, ज्यादा जब भी मत डालो. जाओ घर जाके आराम कर लो. अब तो आराम करेंगी ही. I will take leave to look after him. पर हमने सुना है पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के साथ लड़ाई शुरू करने वाला है. पता नहीं, इस मुल्क के कई सीनियर ऑफिसर्स को जंग छेड़ना एक किस्म का नशा बन गया है. एनीवे, थैंक यू डॉक्टर साहब. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. आपको जाना होगा. और कर भी क्या सकता हूँ. आपसे कुछ कहूँ क्या? ये जंग, लड़ाई, लोगों की जान लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. मुझे पता है, पर लड़ाई शुरू होते ही आप तो शेर बन जाते हैं ना. खानदानी राजपूत है, पीछे हटना हमारे खून में नहीं. अफसोस इस बात का है कि हम उन्हीं से लड़ रहे हैं जिस मिट्टी में मेरा जन्म हुआ था. क्या करूं, लड़ाई लड़ाई है, फौजी को लड़ना पड़ता है. चलो. एक विशेष सूचना, भारत की सीमा पर पाकिस्तान के साथ युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, इसलिए छुट्टी पर घर गए फौज, वायुसेना
और नौसेना के तमाम जवानों को तुरंत अपने बेस पर रिपोर्ट करने का आदेश रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। जय हिंद। विशेष सूचना के बाद अब सुनिए फूले बिसरे गीत। कल जैसा कहा था वैसा ही हुआ ना? टेलीग्राम आने तक नहीं, अभी निकलूंगा तो 6:30 की गाड़ी पकड़ पाऊंगा। इसे जगाकर बाय नहीं कहेंगे? नहीं, सोने दो उसे, जब जागेगा तो बता देना। फिर भी समझ गया, चंग के लिए जा रहा हूं यही ना। देखो देव से कह देना कि लौट के आने के बाद सब मिलके छुट्टियों के लिए जाएंगे। वो आ गया। अरे अब मुझे दो। तुम लोग सब अपनी नींदें हराम करके सुबह होने से पहले यहाँ क्यों टपक पड़े? रेडियो अनाउंसमेंट हमने भी सुना सहदेव भाई, हमें पता है कि आप नहीं रुकोगे। पहली गाड़ी ही पकड़ोगे हमें पता था, इसलिए हम जल्दी आ गए। तुम्हारे मन की बात हम जानते हैं ना। अरे मैं सिर्फ जंग के लिए जा रहा हूँ। यही तो डर है भाई। ये हमेशा की तरह नहीं तो है, वहाँ गोलियां चलती होंगी, गोला बारूद। मेरे सीने को छलनी कर सके ऐसी कोई गोली पाकिस्तान में नहीं बनी है। और फिर तुम जैसे यार दोस्तों के होते हुए मैं क्यों डरूंगा? अरे तू देवदास बन के क्यों खड़ा है? अगर मैं जंग में मर गया तो तेरा मीटर बंद हो जाएगा इसलिए? सहदेव भैया मजाक अपनी जगह, दिल को ठेस मत पहुंचाइए। तो फिर कहां ठेस पहुंचाओ? चलो। इसको संभाल के रखना, जब तक मैं लड़ाई से वापस नहीं आता इसकी अच्छी तरह से हिफाजत करना। जीत के आना। जीत के जरूर वापस आऊंगा। मरने के लिए भी तैयार है कहने वाले उन फौजियों से मैं एक ही बात कहूंगा, वी डोंट डाई। अगर कोई मरेगा तो हमारा दुश्मन मरेगा। 135 फ्रंटियर फोर्स के बहादुर सिपाहियों, अस्सलाम वालेकुम। कुरान कहती है किसी की जान ना लो, लेकिन हम फौजी हैं, मुल्क के लिए लड़ते वक्त जान लेनी पड़ेगी, ये हमारा फर्ज है। Let the enemies die for their country. देश के लिए सिर्फ शहीद होने से कोई जंग नहीं जीतता। अगर जीतना है तो हमें जिंदा रहकर जो हमारा दुश्मन है उसे उसके देश के लिए मारना होगा। 6 साल पहले हुई लड़ाई के जख्म अभी भरे नहीं, एक और लड़ाई हमारे सामने आ गई है। हम हिंदुस्तानी कभी भी युद्ध करना नहीं चाहते और ना ही कभी चाहा है। सत्य यह है कि एक साधारण भारतीय या एक साधारण पाकिस्तानी कभी भी युद्ध नहीं चाहता। It's a game of power. पाकिस्तान की आवाम को यह लड़ाई चाहिए या नहीं चाहिए, लड़ाई करनी है और हम लड़ेंगे क्योंकि हम फौजी हैं। हम चाहे या ना चाहे हमारे सामने युद्ध आया है। So we don't ask questions, we fight to protect our nation. हमारे साथ है 6th मद्रास रेजिमेंट,
एक आर्मर टैंक फ्रॉम पुणे हाउस, आर्टिलरी बैटल ऑफ 14 मीडियम रेजिमेंट, अ ट्रॉली ऑफ एडवांस्ड ओपी एंड पेनिट्रेटिंग फोर्स लेड बाय कैप्टन आदि, वी आर स्ट्रॉन्ग। अब युद्ध करेंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर यू रेडी? यस सर। हमारा टास्क बसंतर ब्रिज हेड को बचाना, ये इस जंग का आखिरी नतीजा होगा। इस मकसद को हासिल करते करते हम में से कई शहीद होंगे। तैयार हो? सो आवर 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन D+13 में बसंतर डिफेंस कब्जा करेंगे। देयर विल बी अ हेवी ऑफेंसिव फ्रॉम पाकिस्तान। आर यू रेडी? मूव करने की आज्ञा चाहता हूँ जनाब, प्लीज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लो शुरू हो गए। अर्थात तेरा अधिकार कर्म तक सीमित है, उसके फल में कतई नहीं। मेरे प्यारे गीतानंद, कम से कम जंग के वक्त तो उस गीता के बदले बंदूक क्यों नहीं थाम लेते? अच्छा ओ बेवकूफ, तू चुप हो जा, उसने जो कहा वो सच है, हमारा कर्म है युद्ध करना। अरे कैप्टन साहब, मैंने आज तक कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी, ये तो खाना पीना पगार पेंशन वगैरह मिलेगा ये सोच के ही मैं यहाँ आया हूँ। सच कहूँ तो सिर्फ गरीबी की वजह से ही मैं फौज में भर्ती हुआ हूँ, और पिछले कई दिनों से सीने में गोली लेके मरने का ही बार बार सपना देख रहा हूँ। ए सुदर्शन, अगर तुझे डर लग रहा है तो ये गीता पढ़। हाँ, सुपर। मरने वाला भी वो, मारने वाला भी वो, हकीकत में हम किसी को भी नहीं मार सकते। अरे गीतानंद, मुझे इस तरह पागल मत बना। पाकिस्तान कौरव है और हम सब पांडव हैं, एक ही कुल और परिवार के सदस्य हैं हम, लेकिन युद्ध तो करना ही पड़ेगा, यही धर्म है हमारा। अरे एक बात बताइए, अब मैं गाड़ी आगे लूं या फिर पीछे लूं? सर आगे ही ले लो। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बसंतर तक का एडवांस, इट्स गोइंग टू बी अ टफ टास्क। यस सर। साहब चाय? सिर्फ यही है क्या? फिलहाल इससे काम चलाइए ना सर। जा लिया। दिस इज गोइंग टू बी द रूट। ओके? यस सर। देयर विल बी लॉट ऑफ माइन फील्ड्स अक्रॉस। ओके? जय हिंद सर। जय हिंद। कैप्टन आदित्य कुमार, ओपी ऑफिसर 6th मद्रास रेजिमेंट रिपोर्टिंग सर। हाय कैप्टन, ठीक हो ना? अच्छा हूँ सर, और हमारा देश भी अच्छा रहे इसलिए सर पे कफन बांध के हम आए हैं सर। कैप्टन आदित्य कुमार, युद्ध में फौजियों के सामने दो नतीजे होते हैं, या तो जीत या हार, लेकिन सही सलामत जंग जीतकर जिंदा लौटने वाले फौजियों की ही जरूरत है हमें। सो आई वांट यू ऑल टू बी अलाइव टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। हाथ से नहीं सर, मन से सैल्यूट करता हूँ आपको। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू एंड नाउ फीलिंग द पॉजिटिव एनर्जी, मैं और मेरी ट्रूप हमेशा आपके साथ रहेंगे। एडवांस ऑब्जर्वेशन ट्रूप विद आर्टिलरी सपोर्ट। बी इन टच, अब जाकर आराम करो, गो चल सर। पुणे हाउस रिपोर्टिंग सर। करण राज रिपोर्टिंग सर। रेडियो ऑपरेटर अभिनव रिपोर्टिंग सर। ड्राइवर प्रयाग सर। ओके, आई एम मेजर सहदेव, योर कंपनी कमांडर। तुम्हारे तजुर्बा न होने और तुम्हारी कम उम्र की वजह से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस जंग में इन्फेंट्री सपोर्ट के लिए वी नीड अ डेडिकेटेड आर्मर्ड सपोर्ट फ्रॉम यू। यस सर, इनफैक्ट सीओ हैज बीन सेइंग अबाउट इट। आपको सपोर्ट देना हमारा सौभाग्य है। तुम्हारे किसी भी सीओ ने कहा हो या नहीं, आई एम योर कमांडर ऑन ग्राउंड हियर, सो बी सेफ ऑलवेज। वैसे क्या बोलते हैं, जोश में होश मत खोना। ओके गुड, यू आर स्मार्ट। राइट सर, नाउ गो एंड चेक योर वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स, रिलैक्स एंड वेट फॉर माय ऑर्डर्स। सर, रोजर। हाँ मेजर साहब, तो लेजेंडरी हैं। हे, एनी प्रॉब्लम्स? वाले भी हैं। नथिंग सर, देन मूव योर एस। ओके सर। बच्चा है ये तो,
आपके साथ खेल रहा था। कन्हैया याद रख, इन अफसरों का तू मजाक नहीं उड़ाएगा। नहीं मेरा मतलब। हाँ डालना चाय। डालना। कोई खटाया तो नहीं? आया तो। अभी बढ़िया। जैसे हम बसंत और ब्रिज हेड की तरफ एडवांस करेंगे, वहां हमें हिंदुस्तान की 33 ग्रेनेडियर्स की एक कंपनी मिलेगी। उस कंपनी का कमांडर है मेजर सहदेवन। खबर मिली है वो दिलेर ऑफिसर, इसलिए वो वहां पहुंचे उससे पहले बसंत डिफेंसेस को ऑक्यूपाई करने। समझ में आया? सर वी आर ऑल सेट फॉर टेकरी अटैक। बाय मॉर्निंग आई विल गिव यू सम गुड न्यूज सर। सर अब गाली शुरू मत कीजिएगा। ले जा अपनी सड़ी हुई चाय। ओके सर। सुनो सर ने मुझे क्यों बुलाया? लेटर्स चेक करने वाले जेसीओ छुट्टी पे हैं, इसलिए मेजर साहब भी आजकल चिट्ठियां चेक कर रहे हैं। ओह माँ की आंख। सर सर आपने मुझे वॉर फ्रंट में प्रेम और प्रेम पत्र के लिए कोई जगह नहीं। होप यू हैव गॉट व्हाट आई मीन। वो क्या है सर कि मैं उस लड़की से शादी करने वाला हूँ। आई नो दैट। पर लगातार इसी तरह आते रहे तो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, इसे क्रॉस चेक करने के लिए मुझे भी ये पढ़ना पड़ता है। सॉरी सर। सर इफ यू डोंट माइंड मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? वॉट? क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है सर? ओके लेकिन उसका इससे क्या लेना देना? अरे इसमें तो पूरी महाभारत भरी पड़ी है, गोंद चिपकाने तक की जगह नहीं छोड़ी है। Shut up! मन में प्यार मोहब्बत की बातें रख के युद्ध भूमि में नहीं जा सकते। ऐसा आदमी एक अच्छा योद्धा कभी नहीं बनेगा। लीव एवरीथिंग एट होम, योर लव इमोशंस, साथ साथ सारी यादें भी, एंड यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एनिमी। ओके सर, अपने देश पर मर मिटने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। ये अल्फाज सभी कहते हैं, मरना नहीं देश की खातिर लड़ने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। आई विल नॉट लेट यू डाउन सर। ओके ये लो तुम्हारे लिए दो खत। थैंक यू सर। प्लीज सर। थैंक यू सर। एंजॉय। नॉटी बॉय। बांग्लादेश की सीमा से लाखों की तादाद में शरणार्थी भारत में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पश्चिम में पाकिस्तान ने भारत के पंजाब और राजस्थान के इलाकों में बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया है। हमारी सेना के मृत सैनिकों की गिनती अब तक नहीं हो पाई है। कई सेक्टरों में पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी सेना के सामने हथियार डाल दिए हैं। बांग्लादेशी शरणार्थियों आशंका प्रकट की है। मुझे एक फौजी बनाकर सैल्यूट दिलाने का वादा किया है उन्होंने। मैं जानता हूँ वो लौट कर आएंगे, तुम फिक्र मत करो माँ। हमें मुसीबतों से बचाना, हमें इस जंग की दुश्वारियों से महफूज रखना। क्या मौला, क्या मौला हमारे मुल्क की सलामती को बढ़ाए। चलो चलो आगे बढ़ते रहो, चलते रहो चलते रहो चलो। बेचारे जंग के बाद जब ये लौटेंगे पता नहीं इनके घर यहाँ होंगे या नहीं। यस सर। ये सब कौन जानता है? गो चेक ईच एंड एवरी होम। ओके सर। गो कम ऑन। चलो चलो सब लोग चलो, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। चलो निकलो यहाँ से। चलो चलो जल्दी करो जल्दी। साहब ये जाने से इनकार कर रहे हैं। आप क्यों नहीं जा रहे? मैंने पूछा था सर, ये कह रहे हैं कि बंटवारे के वक्त जब हम यहाँ से नहीं गए तो इस लड़ाई से क्यों डरेंगे?
पांच वक्त की नमाज पढ़ के हमारी जीत के लिए अल्लाह से दुआ करते हुए यही रहेंगे। अगर मरना ही है तो अपनी ही सरजमीन पर। युद्ध के खौफ में जीने वाला वो हर इंसान, जिस मिट्टी पर भी वो खड़ा है उसी मिट्टी को चाहने वाला देशभक्त बन जाता है। आपका नाम क्या है भाईजान? रसूलुल्लाह। इन्हें यहीं पर रहने दो, प्रोटेक्ट है सर। भाईजान फायरिंग अगर ज्यादा हो तो हमारे बेस पे चले आना। जी जी शुक्रिया। खुदा आपकी हिफाजत करेगा। खुदा हाफिज़। जो भी यहां रहते हैं वो ना तो हिंदू है ना मुसलमान, सिर्फ भारतीय है, इस देश से प्यार करने वाले हिंदुस्तानी। गुड मॉर्निंग। दर्द हो रहा है थोड़ा सा। सॉरी सॉरी। हे, राम राम। राम राम साहब। हेलो सर। हर रोज रात के वक्त इवैक्यूएशन है सर। वो कैसे? लाइफ सेविंग सिस्टम के साथ। डे टाइम में एयर स्ट्राइक का खतरा है ना सर। दर्द हो रहा है क्या? नहीं सर। He is brave, sir. Hmm. Just that he keeps troubling for morphine. Anand, sir, take his name and number. Yes, sir. शाबाश। अपना आर्मी नंबर बताओ। अब ठीक लग रहा है? तुम यहाँ? Great. ये भी तो इंसान है, sir. So what if he's a Pakistani? शत्रु सिर्फ battlefield पर होने चाहिए, और दुनिया में कहीं भी नहीं। Compassion. उसे दिल में हमेशा जगाए रखना। Give it up. Thank you, sir. अरे हुआ क्या? Mind blast हुआ सर। ये हॉस्पिटल आने को तैयार नहीं था। हटो हटो। रास्ता मुझे मॉर्फिन देने के लिए। बहुत दर्द हो रहा है। इंजेक्शन दो। पापा, आपको छुट्टी कब मिलेगी? चिंटू को अच्छे नंबर मिले हैं। वो कह रहा है कि वो अपने मामा जी के घर रह के पढ़ना चाहता है। पिछले हफ्ते वर्मा जी आए थे, पैसों के लिए नाक में दम कर रखा है उन्होंने। जल्दी जवाब भेजेगा। आपकी मालिनी। पापा, क्लास में टीचर ने मुझसे पूछा कि बड़ा होकर क्या बनेगा। तब मैंने जवाब दिया कि मुझे अपने पापा जैसा फौजी बनना है। पापा, अगले हफ्ते मेरा एग्जाम शुरू हो रहा है। रिजल्ट आने से पहले आप घर आएंगे ना? आते वक्त मेरे लिए क्या लाना है आपको याद है ना? पापा, अगले महीने लोहड़ी है। आप मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेके आना। मम्मी तो दिलाती भी नहीं है। जल्दी से आ जाओ। बंदूक वाला खिलौना भी लाना। सर, हाँ आया भी तो क्या फायदा, उसमें क्या होगा मैं जानता हूँ। घर के हालात, पैसे कम भेजने की शिकायतें, प्यार से दो बात करने वाली सिर्फ माँ है बस। लेकिन उस बेचारी को तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। खत मिलते ही हमेशा मूड आउट हुआ करते थे, पता नहीं क्यों आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। कह रहा था बाप के अलावा कोई खत नहीं लिखता। हाँ, ये किसी का प्रेम पत्र तो नहीं है। जय हिंद साहब। जय हिंद। जय हिंद। बहुत खुश नजर आ रहे हो। छुट्टी मिल गई क्या? अब मुझे छुट्टी मिली तो भी मैं गाँव नहीं जाऊंगा। ये क्या, इसका दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा सबसे बड़ा डर ये था कि मेरे पिताजी के जीते जी कहीं उन्हें मेरी लाश देखने की नौबत ना आए। तो अब क्या हुआ? कुछ नहीं, ये मेरे पिताजी की चिट्ठी है। आप ही जरा इसे पढ़ लीजिए, इन सबको भी पता चले। तेरे पिताजी की चिट्ठी है, तू ही पढ़, हम सब सुनेंगे। ओके, पढ़। तो मैं ही पढ़ता हूँ। बेटा सुदर्शन, वहाँ तुम्हारे सलामती के लिए मन्नत मांगने के सिवा मैं क्या कर सकता हूँ? याद रखो, आज तुम एक फौजी हो। बस एक ही बात कहूंगा, तुम मेरी फिक्र किए बिना एक वीर योद्धा की तरह अपने देश के लिए लड़कर जीत हासिल करो। इसमें अगर तुम्हारी जान भी चली जाए तो तुम्हारा बाप उसे फक्र के साथ कबूल करेगा। परमात्मा सदैव तुम्हें और तुम्हारे साथियों की रक्षा करे, इसी प्रार्थना के साथ तुम्हारा पिता। अब मेरे पिताजी मेरे साथ ही है सर। Thank you.
क्यों रे कन्हैया, तेरी कोई चिट्ठी नहीं आई? वैसे भी तू तो बिना चिट्ठी के खुश है। चिट्ठी नहीं आई तो अच्छा है, आखिर उसमें क्या क्या होगा ये तो मुझे पता है। एक बाप जो 24 घंटे दारू में डूबा रहता है, घरों में काम कर करके कमर टूटी पड़ी एक माँ, फिर एक कुंवारी बहन, कुल मिलाकर साहब एक अवार्ड फिल्म बनाने की पूरी सामग्री मिलेगी उस खत में। मैं वो सब पढ़ना नहीं चाहता, इसलिए अगर चिट्ठी ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन अगर युद्ध में तुझे कुछ हो गया तो? ऐसे अचानक मुझे कहीं कुछ हो ना जाए, इसीलिए तो आपके इर्द गिर्द रहता हूँ। मैदान जंग में ऐसी किसी बात की कोई गारंटी नहीं होती। अगर मुझे ऐसा कुछ हो जाए तो आमतौर पर भेजा जाने वाला तार मेरे घर मत भेजिएगा सर। फीकी यूनिफॉर्म में लगेज के साथ आने वाले फौजी बाप का बेसब्री से इंतजार करने वाला 10 साल का एक छोटा लड़का है वहाँ। उसकी छोटी सी दुनिया में दोस्तों के सामने रौब जमाने को कुछ तो हो। इसलिए साहब जी, युद्ध में जो खो जाते हैं उन्हें कुछ बोलते हैं ना? मिसिंग इन एक्शन। हाँ हाँ वही, ऐसा कुछ हुआ तो उसकी उम्मीद नहीं टूटेगी। इतना सारा दर्द तुमने अपने छोटे से सीने में छुपा कर रखा है कन्हैया, तुमने अभी तक किसी के सामने इसे खोला क्यों? कैसे खोलूंगा सर, आप मुझे दारू की बोतल खोलने से फुर्सत दें तब ना मैं अपना मन खोल सकता हूँ। जब तूने याद दिलाई दी है तो जा ले आ, फिर अभी लेके आता हूँ। अपने डिफेंस हॉस्टल पर काउंटर अटैक शुरू हो गया है सर, वी हैव टू मूव फास्ट। गेट द ट्रूप्स रेडी। रोजर सर। चाहता है
कुत्ते। तेरी इतनी मजा नो सारे कुत्ते। साला मर गया तो सख का कीड़ा। चलो सब। साहब 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 अपने सुदर्शन को उनके जनरल टॉर्चर करके मार दिया। के घर टेलीग्राम भेज कर आता हूं। नहीं। क्यों सर? सर आज ऑपरेशन पर जाते वक्त उसके नाम एक तार आया था कि उसके पिता सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये उनका इकलौता बेटा था। इस तार को पढ़ने की ताकत उस बाप में नहीं होगी सर। तुम उनके रूबरू जाकर उन्हें तसल्ली दो सर। अभी निकल सकते हो। उस बूढ़े बाप के लिए हम सिर्फ यही कर सकते हैं सर। ओके ठीक है सर। तुम जाओ। Gentlemen, I'm here to tell you something very disappointing and very disastrous too. Ye yudh, hum haarne wale hain. Excuse me. Because... Nonsense, Mr. Nayak. Sarhad par jang ladne wale aapke Royal Intelligence nahi, hum ladte hain. Fauji, we will decide haar jeet ka faisla. Sir, mana ke Raja Sharif ne hamari do post par kabza kar liya hai, lekin we have not lost the war, sir. Ye jang abhi khatm nahi hui. Janardan, ye Raja ke baare mein nahi keh rahe hain. Aur na hi aapke sector se inka koi lena dena hai. Sir. Please understand. ये हमें कुछ खास इंटेलिजेंस रिपोर्ट देने के लिए आए हैं। या मिस्टर नायक कैरी ऑन। मैदान जंग में जैसे आप आर्मी वाले लड़ते हैं, वी आर ऑल्सो फाइटिंग मिस्टर। बंदूक से नहीं, अपने दिमाग से। इंटेलिजेंस के सपोर्ट के बिना कोई किसी भी जंग को नहीं जीत सकता। बट हियर वी आर फेसिंग डिफीट बोथ वेज, इंटेलिजेंस लेवल पर भी और आमने सामने की लड़ाई में भी। इनफैक्ट वी द इंटेलिजेंस पीपल हैव इंटरसेप्टेड अ यूएस मैसेज। अमेरिका की 7th फ्लीट भारत की तरफ निकल चुकी है। उनका लक्ष्य है हमें इस जंग में हराना। ओपन द मैप। सी सोल्जर्स, यूएस 7th फ्लीट, 75,000 टन्स ऑफ न्यूक्लियर पावर लोडेड ऑन एयरक्राफ्ट्स। हमारी प्रेस्टीजियस वॉरशिप विक्रांत की कैपेसिटी सिर्फ 20,000 टन्स है। इन एडिशन टू दैट, क्रूज मिसाइल्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स एंड व्हाट नॉट। एंड एज पर रशियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट, ब्रिटिश नेवी शिप ईगल रवाना हो चुकी है हमारी तरफ, और फिर बंगाल की खाड़ी की ओर चीनी जहाज आ रहे हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स को श्रीलंकन एयरबेस की फैसिलिटी मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, दुश्मन के हवाई जहाज जब चारों तरफ से हम पर हमला करेंगे, तब मामूली राजा शरीफ के सामने घुटने टेके हुए आप लोग क्या कर लोगे मिस्टर जनार्दन? वो लोग भारत देश को जलाकर राख कर देंगे। जब यकीन हो जाता है कि देश मिटने वाला है, तो जेंटलमैन बस एक ही तरकीब है, सरेंडर। हथियार डालकर सिर झुकाना, यही रणनीति है। That's the strategy. Strategy, my bloody foot. Major. What prerogative he has? आखिर क्या अधिकार है इनको to call off the war? हाथ टूटे, पैर कटे या पूरा जिस्म गोलियों से घायल हो, फिर भी पूरे जोश के साथ इंतजार में हमारे जवान युद्ध भूमि में लौट जाने के लिए।
किसी भी अमरीकी फ्लीट को आने दीजिए, जब तक जान हम घुटने टेक कर हथियार नहीं डालेंगे, मरते तब तक लड़ेंगे, बट नॉट सरेंडर। आखिर आपको क्या पता है मिस्टर सहदेव? यू हैव नो क्लू अबाउट द अमेरिकन न्यूक्लियर माइट। न्यूक्लियर माइट, बड़ी शिट सर। आपने अभी डराया ना भयंकर ताकत वाली सेवंथ फ्लीट क्रूज मिसाइल, क्या उखाड़ लिया उन्होंने? नाक कटाई ना भूखे नंगे हालत में रहने वाली वियतनामी फौज के सामने? सेवंथ फ्लीट के मुंह के अंदर जहरीले तीर कमान के साथ घुसकर उन्हें बेकार कर दिया था ना उन मामूली कम्युनिस्ट गोरिल्लास ने। लुक मिस्टर, जिन जाबाजों की रगों में देशभक्ति दौड़ रही हो उनके लिए अमेरिका और एटम बम मामूली बात है सर। वी विल फाइट। बहुत से देशभक्तों ने अपना खून न्योछावर करके हासिल की है ये पवित्र मिट्टी और इसकी आजादी। अपने देश की हिफाजत के लिए जब लड़ने निकलते हैं तो बंदूक नहीं, जोश और हिम्मत है एक फौजी का हथियार। सहदेव। Now give us orders, sir. We are all set to march. Boys. आपने शेर को देखा है सर? रणथंभौर का बब्बर शेर, वो जा रहा है, देख लीजिए। कुछ भी कर सकता है वो इस मिट्टी के लिए। पिछले कई दिनों से गौर कर रहा हूं, एक डबल लाने को कहा तो ये सड़ी हुई चाय लाते हो या मना कर देते हो। मिलिट्री में दारू खत्म हो गई क्या? दारू तो दूर, राशन भी ठीक से नहीं मिल रहा है सर। जब से लड़ाई शुरू हुई है चला ही तो रहे ना सर, तो ऐसे ही चला लीजिए आज भी। आज इस बात का फैसला हो ही जाए, यहाँ ऑफिसर मैं हूँ या तू है? डबल बनाने को कहा तो फिर माल होना चाहिए। ये देखिए बिल्कुल खाली है। तो क्या इसी के लिए? पिछले 12 साल से मैं तुझे झेल रहा हूँ। कोइन कैडेट। ओके। कथा चाय लेकर आ। मैं इनको दारू में डुबो दूंगा, जंग तो खत्म होने दो। सर आ गए? यू आर लेट बाय वन डे। छुट्टी मिलते ही अपने घर भी होकर आ गए? नो सर। तो फिर? आपका दिया एड्रेस लेकर मैं सीधे उसके गांव के हॉस्पिटल पहुंच गया। यहाँ कृष्णा प्रसाद नाम के। ओ आमिना, तुम्हारे पेशेंट का कोई रिश्तेदार आया है। ओहो, तो अभी फुर्सत मिली है आपको। मरने वाले बाप को इतने दिनों बाद मिलने आए हो। जी, वो इस वक्त क्रिटिकल स्टेज में है, चलो मेरे साथ। गनीमत है, अब तो तशरीफ लाए जनाब। युद्ध के दौर तुम फौजियों को हर बात के लिए कोई ना कोई बहाना मिल ही जाता है, और देशभक्ति के गुण गाने लगते हो। जब एडमिट हुए थे तब उन्होंने मुझे सब बता दिया था, इसीलिए मैं सब जानती हूँ। तुम्हारे न आने की वजह से पिछले 3 दिनों से मैं उनके लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रही हूँ। बाप के लिए भी फुर्सत नहीं है इनको। वहाँ बॉर्डर पे सिस्टर। अब बहुत हो गए बहाने। देखो ओवर टाइम करके मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलने वाला है। आज की रात तुम ही रहना अपने बाप के पास। अब चलो मेरे साथ। अरे चलो भी। और सुनो, उनके पास जाकर बिल्कुल शोर मत करना, उन्होंने कल से कोई बात नहीं की है। बाबूजी, बाबूजी, देखिए आपका बेटा आया है। इधर आओ ना। पिताजी।
गुजरे कई घंटे हो गए। मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करके फॉर्मेलिटीज पूरी कर देती हूँ ताकि बॉडी को जल्दी घर ले जा सकूं। इनके कोई रिश्तेदार हैं यहाँ पे? क्या वो तो एक बेटा होने के नाते तुम्हें पता होगा ना? सिस्टर, न मैं इनका बेटा हूँ और न ही ये मेरे पिता हैं। दरअसल इनका बेटा जंग में शहीद हुआ है, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। हाय रब्बा, मतलब कल पूरी रात आप इस कमरे में? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता सिस्टर, कुछ भी बताने से पहले आपने मुझे इनका बेटा बनाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया। सॉरी सर, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी। नहीं नहीं, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। That's okay. I will do the formalities. आप जाइए सर, वरना आप ड्यूटी के लिए लेट हो जाएंगे। नहीं, तुम लेट नहीं हुए, you're on time. सर, मरते वक्त सगा बेटा अपने करीब है ये यकीन दिलाने के लिए तुम सही वक्त पर वहां पहुंच गए, so you're not late. Thank you, sir. चलो, कैदियों को आज से प्लीज टॉर्चर करना बंद करिए। होल्ड योरसेल्फ। तुझे इल्म भी है? तू किससे बात कर रहा है? बाखूबी इल्म है सर, इसलिए अफसोस हो रहा है। आप उसी एकेडमी के ग्रेजुएट हैं जिस एकेडमी से मैं ग्रेजुएट हुआ था। होल्ड योरसेल्फ। जिनीवा कन्वेंशन नाम की एक चीज होती है सर, ये हमारे कैदी है, हमारे मेहमान है। मैदान जंग में किसी को मारना एक चीज है, टॉर्चर कुछ और। राजा, होल्ड योरसेल्फ। ए, तू मुझे सिखा रहा है? सिखा नहीं रहा हूँ सर, बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ। आपके एक्शंस पूरे पाकिस्तान आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, दोबारा याद दिलाने का मौका मत दीजिएगा सर। खुदा हाफिज। रुक जाओ राजा। इसे जिंदा छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसे मरना होगा। मारना है तो मैदान जंग में मारो, ये मैदान जंग नहीं है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं ये सब, हमारे अतिथि हैं, अतिथि देवो भव, यही भारतीय संस्कार है। मेक श्योर दैट नो वन टॉर्चर्स एनी POWs, ओके? दैट्स माय ऑर्डर, नाउ पैक अप एंड एडवांस। साहब, आगे के रास्ते में पूरी माइंस बिछाई हुई है, आर्मर टैंक्स आके क्लियर करने के बाद ही हम आगे जा पाएंगे। कन्हैया, स्टॉक खत्म है सर। अरे वो नहीं, गेट मी द वायरस। वायरस, लाइन फॉर एलिफेंट, कम ऑन लाइन। चिन्मय, ओके, ओवर। लोकेशन सर, राइट नाउ आई एम ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ कॉल सेंटर, 693-732 जनरल एरिया, टकरी सर। वेट अ मिनट, आनंद सर, हमारा जीआर बताना। सर, 693-692 लाइन फॉर एलिफेंट, वी आर जीआर 693-692। ओके, गॉट इट, टाइम टू लोकेशन 30 मिनट्स सर। हे, कम ऑन, कम फास्ट, टर्न अराउंड, मूव फास्ट, फास्टर, फास्टर।
सर कहाँ घूम रहे थे अब तक? हाँ आप लोगों को मैं उस तरफ ढूंढ रहा था सर। ये क्या कॉलेज कैंपस है जहाँ लड़कियों को इधर उधर ढूंढते हैं? अब मुंह क्या देख रहा है? चलो भी। यस सर। चलो सब पीछे। इंतजाम करने गया था? क्या हुआ? अरे बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिली। मेजर साहब। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेयर इज चिन्मय? चिन्मय टैंक में है सर। आई एम हियर सर। हे, आर यू कमिंग डाउन? शुड आई कम देयर? गिव मी अ हैंड। आ जाइए सर। ऑल योर्स। नाइस नाइस पेयर ऑफ स्ट्रेंथ। लगता है किसी हाथी पर बैठा हो। वैसे भी पुराने जमाने के एलिफेंट रेजिमेंट ही आज के आर्म्ड फोर्सेस है। वो तो सही है सर, पर एक बात है जो लोग नहीं जानते। एक बार वॉर में एनिमी का डायरेक्ट हिट लग गया तो सब खत्म। अंदर बैठे फौजी के बोन्स चूर चूर हो जाएंगे। और यही वजह है कि डायरेक्ट हिट हम पर ना लगे, हम टैंक को इधर उधर घुमा कर आगे बढ़ते हैं। इसे चलाना बहुत मुश्किल होगा ना? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स प्रीटी इजी। लेकिन ये साधारण कार की तरह नहीं है। आप ट्राई कीजिए ना, जस्ट फॉर फन। इट्स ओके, हम इन्फेंट्री वालों को इसको चलाने की जरूरत नहीं है सर। बट ये जंग, कभी आपको चलाने की नौबत आ गई तो? Hey, no try कीजिए सर, बस एक it's बार। Okay, it's okay. Try कीजिए सर। It's okay. सर, प्लीज मेरी खातिर बस एक बार। आइए सर। Yes. प्लीज। Yes. Okay, सर आराम से। अरे छोड़ दो। Okay सर। Yes, that's the lever. Oh. Yeah, super, super. Yeah, very good sir. चिंदगिया? Yeah, yeah. Yeah, you're doing well sir. Great feeling, man. खिंचाई मत कीजिए सर। साफ पता चल रहा है कि आप पहले भी चला चुके हैं। नहीं। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? 21 साल का हूँ सर। सर, उम्र क्यों पूछी आपने? Hey, मुझे तुम्हारी उम्र से भी ज़्यादा आर्मी एक्सपीरियंस है। Come on. तुम ये बीच-बीच में कहाँ गायब हो जाते हो? गायब कहाँ सर? I keep looking for the enemy, but no luck sir. बेटा, माना कि तुम्हारा खून गरम है, लेकिन अकेले में कहीं मत जाना। Anyway, I'll keep an eye on you. सर, इन कुछ ही दिनों में I saw a great hero in you. मेरे अंदर जो भी ईगो था मिट गया। I'm learning a lot from you, sir. Anyway, आज के एक्शन के मद्देनजर, I am recommending you for a gallantry award. Thank you, sir. Sir, लगे हाथों परमवीर चक्र भी दिला दीजिए। I want to be the youngest recipient of the PVC. I like your spirit, लेकिन परमवीर चक्र पाने लायक जैसा कुछ भी नहीं किया। Sorry, कन्हैया। Sir.
Some letters for you. सब में एक ही हैंडराइटिंग है. थैंक यू सर. इस रेगिस्तान में पानी की बौछार जैसा है ना. लो. यस सर. एंजॉय मैन. थैंक यू सर. हैव यू गॉट अ ड्रिंक? नो सर. पर आपको चाहिए तो मैं अरेंज कर सकता हूं. नो नो नो, इट्स ओके. ओके सर. ओके, गुड नाइट. गुड नाइट सर. सर, ऐसे छोटे बच्चों से दारू मांगना बेइज्जती खराब करने वाली बात है. जब भी मैं पूछता हूँ तुम चाय लेकर आ जाती हो. बच्चों के सामने मुझे भिखारी बना दिया. कभी जब मांगते तब देना चाहिए ना. हर चीज का एक वक्त होता है. कैसा वक्त? तभी दूंगा मैं. पगला कहीं का. असलम का क्या हुआ? नथिंग सर, हमने बताया नहीं. मैंने आपसे बोला था उसे बता के उसे छुट्टी पे भेजना है, क्यों नहीं बताया? सर, हमारे कई सारे जवान मर चुके हैं सर. तो कई सारे और लोग मर जाएंगे लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं होगी. उसकी माँ मरी है यार. सर. क्या? सर, जनरल बलूची खान सेड नोबडी हैज टू बी सेंट ऑन लीव सर. मैं इस यूनिट का कमांडर हूं और मैंने आपको ऑर्डर दिया था कि उसे अपनी माँ के बारे में बता के उसे छुट्टी पे जाने दो. जी जनाब. मेजर साहब, चिन्मय सर लाइन पे हैं. लाइन ऑन लाइन. आई एम ऑन द एडवांस लाइन सर. आप लोगों से कुछ 1.5 किलोमीटर आगे हूं. मेरे टैंक ट्रक्स को फॉलो कीजिए, यहां कोई माइंस नहीं है. चिन्मय, स्लो डाउन. हमारे पहुंचने के बाद वील एडवांस टुगेदर. रोजर सर. गुड बॉय, ओबीडियंट बन गए हो. हाँ यस सर, थोड़ी देर से ही सही पर सीख लिया. एनीवे, आज शाम से पहले हम बसंतौर ब्रिज पर कब्जा कर लेंगे. सो पोस्ट कैप्चर करने के बाद यू शुड टेक मी फॉर अ राइड ऑन योर करना. नो सर, आज तो आप ही मुझे इसमें राइड कराएंगे. मैं करना में बैठूंगा और आप इसे चलाने वाले हैं. ठीक है ना सर? ओके डियर, वी विल कैच अप इन 30 मिनट्स. और हाँ सर, आपकी आज की ड्रिंक्स मेरी तरफ से. ओह थैंक यू. Roger, buddy. See you in 30 minutes. हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं. ये हमारे खानदान का उसूल है. पहले अपने खानदान का पता लगा फिर उसूल की बात करना. क्यों, तूने नहीं सुना है क्या? बिरला हाउस. हाँ हाँ, तो मेरे बिरला हाउस की औलाद, लोड करो. लेकिन तुम्हारे ऑर्डर पे मैं लोड नहीं करता हूँ. ठिकाने लगाते. ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है. मूव मूव. रन फास्ट 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 जा रहा हूं सर. एलिवेशन 4 डिग्री, जल्दी नीचे झुकाओ. 4 डिग्री सेटिंग. ओके लोडेड रेडी. Check the button and don't lose the track!
से डर लगता है, लेकिन हम कौन सा मरने वाले हैं? इंडियन आर्मी ने हमारी नाक में दम करके रखा है, खुदा जाने हमारी सपोर्टिंग स्क्वाड्रन कहां मर गई है। लेकिन हमारे पीछे सिर्फ एक टैंक है, तुम्हें कितना दिखाई दे रहा है? ओपन एरिया में आ चुके हैं, यही खत्म कर देते हैं। अभी कितना फायर, हमें भी एक ही दिख रहा है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। माय गॉड, हम फंस चुके हैं, साले चार चार हैं सामने। Turn around! Order, sir! Sir! Turn around with white smoke! Turning left, faster, sir! More smoke! Increasing the speed, sir! Full power, full speed! चारों तरफ से घेर लो। मैं पहले ही बोला था कि टर्न अराउंड, लेकिन तुमने सुना नहीं। लेकिन मैंने कब उन्हें हमें घेरने को कहा? जल्दी जल्दी जल्दी! Faster, sir! अगर बैकअप नहीं मिला तो नहीं बच पाएंगे। Our tanks have been chased by the Pakistanis. Infantry to advance fast. Pakistan occupied the Basandar. Recapture. Come on! Yes, that's the end of it! चारों तरफ से घेर लिया है। छह टैंक उड़ा दिए इसने। कमाल है, बच्चा लगता है, शेर निकला।
इन्फॉर्म द इंडियन कमांड 30 मिनट अनऑफिशियल सीज फायर एक बहादुर जवान की लाश रिकवरी करने के लिए। सर, कर्नल राजा ने सीज फायर डिक्लेयर किया। कर्नल राजा हरामी? वो कौन होता है सीज फायर डिक्लेयर करने के लिए? मुझे वो हिंदुस्तानी अफसर चाहिए। उसको मार के कुत्तों को डाल दूंगा। चलाने वाले हैं। उसने भी यही चाहा होगा। He was your boy. आ जाओ। साथ तुझे विदा नहीं करूंगा। यू वेट अंटिल द सनराइजेस। उगते हुए सूरज के साथ ही तेरी यात्रा शुरू होगी। वेट हियर, आई विल फिनिश देम एंड कम बैक। ये मशाल बुझनी नहीं चाहिए। जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक ये हमारे बटालियन के सीने की आग है। Come on, boys! सहदेव, what nonsense you're talking? इसे आग देने के बाद ही तुम जाओगे, नहीं तो I will have to do it. You dare not, sir. It's my privilege. I'll come back and I'll do it. ये मैदानी जंग है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम वापस आओगे? I'll come back, I know that and that's for sure. मैं लौटूंगा। अगर लाश बन के लौटा तो मेरी चिता वहां लगेगी। Then it will be your privilege. आप मुझे आग देंगे। Come on, boys! आक्रोश की हद है पार। आग है दिल में सवार। Operator, get me the wireless, sir. चाहती हूँ।
दिस इज जनरल जनार्दन सिंह। मेरी बटालियन पाकिस्तान पर काउंटर अटैक के लिए निकल चुकी है। मुझे उनके बैकअप के लिए और टास्क फोर्स की जरूरत है। चुन के मारो।
बस कर, अब आमने सामने आ जा, हिम्मत है तो आ जा इस हिंदुस्तानी के सामने। चुप, दिखता नहीं ऑफिसर बात कर रहा है। गया। साहब, और सुना है आपके बारे में? मैंने भी सुना है तुम्हारे बारे में। क्या सुना है? कि तू बड़ा शेर है, बड़ा तुर्रमखा है, लेकिन अब मैं आया हूँ असली हिंदुस्तानी शेर। ए, क्या हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी, मैं भी उसी मिट्टी में पैदा हुआ था, हम में कोई फर्क नहीं। फर्क है, हम हिंदुस्तानी हमेशा धर्म और सच्चाई के साथ लड़ते हैं, तुम लोग हमेशा हारते हो फिर भी सीखते नहीं। अब तक हरा दिया होगा, लेकिन आज लेफ्टिनेंट कर्नल राजा तुम्हारे सामने खड़ा है और जीतेंगे हम, क्योंकि मुझे वापस जाना है। यहाँ से वापस अब मैं ही जाऊंगा, वो भी जीत कर। ठीक है, कल का सूरज जब निकलेगा तेरी लाश देखेगा। नहीं, सूरज तब निकलेगा जब तेरी लाश गिरेगी। चलो बच्चों, पाकिस्तान की शान। Look! 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 Look!
नाटक भी हो गया है, छोड़ मुझे। गाड़ी अभी तक नहीं आई और हमारा स्टॉक भी खत्म हो गया है। बारह साल से जानता हूं, मुंह से निकलने वाली हर बात पत्थर की लकीर है सहदेव साहब के लिए। तू चुप हो जा। कल आपने जो वहां पर मशाल गाड़ी थी वो सुबह तक चलती रहेगी। आप जरा पूरब की ओर देख लीजिए। सकते हैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकते तो हम जिंदा क्यों रहेंगे।
और इस लड़ाई को खत्म करना है। खत्म तो मैं ही करूंगा, क्योंकि हमेशा हम जीते हैं। लेकिन पहले आपने कर्नल राजा का सामना नहीं किया है। दुश्मनी नहीं है, हमारी दुश्मनी इस वर्दी के रंग से है। वो मुझे नहीं पता, मगर मेरे सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा है और मेरा फर्ज है, मुझे घर जाना है। हो सके तो उन लोगों को एक और ऑर्डर देने के लिए कहो, यहां जो लोग मरे पड़े हैं उन्हें जिंदा करने का नामुमकिन है ना? इस युद्ध को शुरू करने की वजह ऐसा ही कोई ऑर्डर था। सत्ता के लिए पागल हुए दो व्यक्तियों के जुनून और स्वार्थ ने चीर कर रख दिया था हमारे भारत देश को। उस दिन शुरू हुआ यह युद्ध का सिलसिला। ऑर्डर बात के लिए ऑर्डर। जब तक जिंदा हूं तब तक हर साल इसी दिन दिसंबर 17 को एक बूंद आंसू तुझ जैसे जांबाज के लिए बहाऊंगा। यह वादा एक फौजी
दूसरे फौजी के साथ करता है। मुझे एक पेन और पेपर देना। सर। अरे दोस्त, दिल चाहता है कि काश तुम मेरे देश के होते। पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से तुम्हें आखिरी सलाम। जय हिंद। तेरे देश के लोगों को यह जानना चाहिए कि तू कितना बहादुर सिपाही था। अलविदा मेरे दोस्त, अलविदा। बना देख। ए कन्हैया, मैं इनको दारू में डुबो दूंगा, जंग तो खत्म होने दो। अगर मुझे ऐसा कुछ हो जाए तो आमतौर पर भेजा जाने वाला तार मेरे घर मत भेजिएगा सर। युद्ध में जो खो जाते हैं उन्हें कुछ बोलते हैं ना सर? मिसिंग इन एक्शन। जीत गए हाँ, लेकिन ऐसी जीत जिसमें सिर्फ विनाश ही हुआ है। अब दोबारा कभी युद्ध ना हो और तुझ जैसे बहादुर योद्धाओं को देश को खोना ना पड़े, हम यही दुआ करेंगे। We will pray, no more wars। सर, आई एम अ सोल्जर, आई विल वॉक। बेशक अगले कदम पर मैं मर ही क्यों ना जाऊं। राजा को पाक सरकार ने उनके सबसे बड़े सैनिक पुरस्कार से नवाजा। मेरे लाडले चिन्मय को परमवीर चक्र मिला। आज तक ये पुरस्कार पाने वाला सबसे कम उम्र का जवान। दादाजी, अब मैं समझ गया आपने मेरा नाम चिन्मय क्यों रखा है। यू शुड ऑल्सो बिकम अ ब्रेव सोल्जर। सब क्यों कह रहा हूं पता है हा? युद्ध से कोई कुछ हासिल नहीं कर सकता। सो नो मोर वॉर्स।
ऐ मेरे वतन के लोगो, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।